बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अबीहा और आज मैं आपको टाइबल रफल के साथ इस स्टैंड का कवर सीना बताऊंगी। ये मैंने हाफ मीटर कपड़ा लिया है। हाफ मीटर बहुत बड़ी विड्थ वाला कपड़ा है। ये जो हम जिससे बेड शीट्स बनाते हैं, ये वो वाला कपड़ा है। और अगर आप दूसरा कपड़ा ले रहे हैं तो आप कम से कम भी 1 मीटर कपड़ा लें। इसका कवर को मैं, जो हम इस्त्री स्टैंड फोल्डिंग वाला इस्त्री स्टैंड होता है, उसका मैं बना रही हूँ। और इसको मैंने देखें, ये फोल्ड कर ऊपर रखा हुआ है। कपड़े को मैंने आपके कपड़े की विड्थ दिखा दी है। डबल कपड़ा है ये, और इस्त्री स्टैंड को मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया है कपड़े के ऊपर। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो के नीचे जो रेड आइकन है उसको दबाएँ, साथ बेल के आइकन को भी दबाएँ, और बेल के आइकन में आल के ऑप्शन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये जो कपड़ा है, ये मैंने लाइट कलर का लिया है। इस्त्री स्टैंड पे अगर लाइट कलर का कपड़ा हो तो आपको डर नहीं रहता कि दूसरे जब आप कपड़े प्रेस कर रहे हो तो उसके ऊपर कपड़ा का रंग आ जाए, क्योंकि अक्सर कपड़े का रंग आ जाता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने कपड़े को बिल्कुल बिछा के और इस्त्री स्टैंड को दरमियान में बिल्कुल इसके रख दिया है। अब हमने इसकी इस तरह कटिंग करनी है, बिल्कुल इसके शेप के साथ साथ। और 1-1 इंच हमें इसका एक्स्ट्रा लेना है। ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा पे मैं इस तरह चारों साइड पे इसके निशान लगा दूंगी। आप हो चाहे तो नाप के हर 1-1 इंच कर लें, नहीं तो अंदाजे से भी आप ये कर सकते हैं। ये मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसके चारों साइड पे निशान लगा देना है। निशान हमने लगा दिए हैं। अब हमने इसको कैंची की मदद से इस तरह काटना है। ये देखें, इस तरह इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे कपड़े में, और कपड़े में कट लगाने के बाद इसको जो निशान हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर ऊपर काट देंगे। इसको इसी तरह हमने चारों साइड पे कट कर लेना है। बिल्कुल जो हमारी इसी स्टैंड की शेप है, जिस भी शेप में हो आपके पास, आप उसी शेप में इसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद हमने एक जिस तरह ये कपड़ा बिछा हुआ है, इस पर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड पे आ रहा है, तो इसी कपड़े को हमने 5-5 इंच पे निशान लगाना है। एक और 5-6 इंच पे इस तरह लगा के हमने उसको भी कट करना है। जो हमने निशान पहले से जिस पे कट किया हुआ है, जहाँ से कट, वहीं से हमने आगे जो है निशान, एक और निशान लगा रहे हैं इस तरह। इस तरह इसको गुलाई देने के बाद इसको भी मैं कट कर दूंगी। इसको हमने इसी तरह चारों साइड से कट कर लेने, जो पहले हमने शेप काटी हुई है सेम उसी पे उसी तरह। और यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है, ताकि हम इसके अंदर बांधने के लिए इसके अंदर कोई रस्सी वगैरह या फिर कोई कपड़े की बेशक उसकी बना के हम डाल सकें। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। और इधर हमने रफल लगानी है। रफल जो बाकी का कपड़ा हमारे पास बच गया है, उसकी हम रफल बनाएंगे। इसको नाप लेंगे, जितनी हमारे पास इसकी लंबाई आ रही है उससे 3 गुना या 4 गुना हम कपड़ा लेंगे। जितना बड़ा हम कपड़ा लेंगे, हमारी जो रफल है वो इतनी ही अच्छी बनेगी। ये बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ है, इसको मैं पट्टियों की शक्ल में काट लूँगी। इसकी मैं जो विड्थ है वो भी 5-6 इंच ही लूँगी। 5-5 इंच की मैं विड्थ लेकर इसकी बहुत सारी पट्टियाँ बना लूँगी और उन पट्टियों में ज्वाइंट डाल लूँगी। यह आपके कपड़े पे मुनहसर है कि आपका कपड़ा कितना है, उस हिसाब से आप इसकी जो रफल है वो बना सकते हैं। इस तरह दोनों साइड पे 5-5 इंच का निशान लगा के और इसको कट करके आपस में ज्वाइंट करना है हमने रफल बनाने के लिए।
इस तरह जितना भी मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है मैं सारे की तरह पट्टियाँ बना के इनको ज्वाइंट कर लूँगी। इस तरह ये जो तिरछा आ रहा है इसको मिला के हम भी ज्वाइंट कर सकते हैं, और इसको स्ट्रेट करके इस तरह मैं इस पे ज्वाइंट डाल लूँगी, और इसके बाद हम इसकी रफल तैयार करेंगे। रफल को हम जोड़ डालने के बाद हमने इसकी ये जो साइड है एक साइड को इस तरह फोल्ड करके सिलाई करनी है। इस पूरी रफल को हम इस तरह फोल्ड करके इसके एंड तक सिलाई लगा देंगे। पूरी रफल पे हमने सिलाई लगा ली है, एक साइड हमने फोल्ड कर दी है। अब हमने इसको जो मेन दरमियान वाला पार्ट था हमारा इस सेंट के कवर का उसके साथ अटैच करना है। ये हमने एक साइड से शुरू करना है इसको, या कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये मैंने छोटे पार्ट के दरमियान वाले हिस्से से शुरू की कर रही हूँ। इस पर हम प्लेट्स की शक्ल में इस रफल को लगाएंगे, और प्लेट्स आपने इस तरह एक जैसे फासले पे देने हैं, और इस तरह देने हैं कि हमारी पूरी रफल जो है वो उसके ऊपर पूरी आ जाए। जितना हमने कपड़े से रफल बनाई हुई है वो पूरी आ जाए। अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उसके आप एक्स्ट्रा प्लेट्स दे दें जब थोड़ी रहती हो। अगर कम हो जाए तो इसको उधेड़ के दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह हम करके इस पर प्लेट्स एक जैसे इस तरह करके चारों साइड पर डाल देंगे। प्लेट्स डालने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। हमें इसी तरह करते हुए एंड तक हमने डालना है, और हमने जब इसको कपड़े को स्टार्ट किया तो हाफ इंच का कपड़ा छोड़ के फिर हमने प्लेट्स डालने शुरू किए थे, और इसी तरह एंड पे भी हम हाफ इंच का कपड़ा छोड़ेंगे ताकि उसको आपस में ज्वाइंट कर सके रफल वाले कपड़े को। इस तरह ये एंड पे लाके हुए हमने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ दिया है। अब हम इसको मशीन के नीचे से निकालेंगे, और ये दोनों आप जो रफल वाले कपड़े हैं इसको आपस में पकड़ के ज्वाइंट कर देंगे, और बाकी का जो कपड़ा है थोड़ा सा हिस्सा रह गया है उसको ज्वाइन करने के बाद फिर हम सिलाई करेंगे। बाकी की सिलाई को भी हम पूरा कर लेते हैं। रफल हमने अटैच कर ली है, अब हमने जो इसके नीचे टाई करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखें, ये हमारी जो है रफल इस पर प्लेट्स डालने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। अब ये वो कपड़ा है जो हमने इसके साथ से निकाला था, अब हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट करना है। जिस तरह हमने निकाला था, जिस शेप के साथ से निकाला था, हम उसी तरह इसको ज्वाइंट करेंगे। बिल्कुल ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से इसकी गुलाई थी। बस आपने शेप का ध्यान रखना है कि कोई भी इधर उधर ना हो। अगर एक जैसी शेप का स्टिच स्टैंड है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टिच स्टैंड जिस तरह का मेरा है फोल्ड वाला, उसकी शेप थोड़ी चेंज होती है दोनों साइड से, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। मैं इसकी विड्थ में से जितनी हमारी स्टिच स्टैंड की विड्थ थी इसमें दरमियान में एक कट लगा लिया है। इसी तरह उस कपड़े की भी जो चौड़ाई वाली विड्थ है उसमें मैं दरमियान में कट लगा के इसको कट को आपस में मिला के इसकी चारों साइड से इसको ज्वाइंट कर दूंगी। ऊपर जो कपड़ा हम लगा रहे हैं इसको आपने खींचना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है उससे लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा। आपने इसको बहुत ढीला सा रख के लगाना है। विड्थ आपसे ये बढ़ भी जाए तो आप इसके अंदर चुन्नट भी दे सकते हैं ताकि इसको पूरा कर किया जा सके, लेकिन अगर आप खींचेंगे नहीं तो ये पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि हमने बिल्कुल इसके साथ से रख के काटा है। अब इसकी सिलाई जो है हम चारों साइड पे लगा देंगे।
कपड़ा हमने अटैच कर लिया है चारों साइड से। अब हमने इसके नेफे की फोल्डिंग करनी है। इस तरह हम 1 इंच का फोल्ड करने के बाद कपड़ा इस पर सिलाई लगा देंगे। ये एंड तक इसी तरह कपड़ा फोल्ड करेंगे और हमने इसमें थोड़ा सा जगह छोड़नी है जिसमें से हम रस्सी गुजार के इसको बांध सकेंगे। मैं इसको रस्सी से बांधूंगी। मैंने कपड़े का एक टसल तैयार नहीं किया क्योंकि वो बहुत लंबा तैयार करना पड़ता है। मैंने एक घर में से एक रस्सी लेकर इसको, जो कोई साफ़ सुथरी ले रस्सी, उसको लेके इसके अंदर से गुजार के इसको मैं बांधूंगी। इसको हमने चारों साइड से इसी तरह हम फोल्ड करना है। हमारा इस स्टैंड का कवर बिल्कुल तैयार है और फोल्डिंग भी कर ली है। अब हमने इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, इसमें हमने ये रस्सी डालनी है। किसी भी पिन के साथ मैं इसके अंदर रस्सी डाल दूंगी ताकि इसको बहुत आसानी से टाई किया जा सके। ये मैं एक सर पे लगाने वाली पिन ले रही हूँ, इसमें रस्सी में मैं गिरा लगा दूंगी ताकि ये खुले ना, और इसको मैं इसके अंदर इस तरह पूरा डाल दूंगी। ये जितना भी हमारे पास इसकी विड्थ है उसमें पूरे में रस्सी आनी होनी चाहिए और हाफ जो है गज, हाफ हाफ फुट जो है वो बाहर होनी चाहिए। दूसरी साइड से भी रस्सी को कट करके हम इसको गिरा लगा देंगे इस तरह, ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। अब मैं आपको इसको चढ़ा के दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरह बांधना है और किस तरह इसकी स्टैंड को, इसके ऊपर कवर को फिक्स करना है। अब खड़ा करके तो इस स्टैंड को दिखाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ही आपको रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे। इस तरह ऊपर वाला जो कवर है वो उसके ऊपर फिक्स आ जाएगा और नीचे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था वो नीचे वाली साइड पे फोल्ड होगा और यहाँ से हम इसको रस्सी को पकड़ के खींचेंगे तो ये खुद ब खुद टाइट हो जाएगा और यहाँ से हमने इसको गिरा लगा देनी है। बिल्कुल एक जैसा करने के बाद हमें इसको इस तरह खींचना है रस्सी को, रस्सी टाइट हो जाएगी और हम यहाँ पे गिरा लगा देंगे और जो बाकी की बची हुई रस्सी होगी वो इसी कपड़े के अंदर इस तरह फोल्ड कर देंगे ताकि वो नीचे लटके ना। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि इसकी कवर की लुक क्या होगी। देखें ये जब हम इसको खड़ा करेंगे इस स्टैंड की हमारी कुछ लुक यूँ आएगी। आपके सामने मैंने किस तरह इसको सिया है और ये कवर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं आपका। आप जिस तरह मर्जी इसको फोल्ड करके खड़ा कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरी वीडियो के नीचे जो रेड आइकन है उसको ज़रूर दबाएं अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।